सो व्हाट इज अप पीपल, दिस इज अंकित एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, आज मैं आया हूँ डुकाटी शोरूम के बाहर और आज है संडे और यहाँ आने के मेरे दो रीजंस है। पहला रीजन तो ये है कि लास्ट वीक मैंने एक इवेंट के ऊपर डुकाटी मल्टी स्टार्टर चलाई थी। ओ मैन, क्या बाइक है वो। और जब वो मैंने बाइक चलाई तो बता नहीं सकता जो फील था, तो वही एक रीजन है कि आज वो बाइक मुझे खींच के डुकाटी के शोरूम पे ले आई। तो मैंने सोचा कि मैं तो बाइक चेकआउट करने जा रहा हूँ, इनकी कौन कौन सी बाइक्स है, तो आपको भी इनका एक बार स्टोर दिखा दूँ और सारी इतनी सुंदर सुंदर जो बाइक्स है वो भी दिखा दूँ। और जो सेकंड रीजन है वो तो बहुत ही बड़ा है और वो रीजन आपको वीडियो के बीच में या वीडियो के एंड में पता लगेगा। तो एक काम करते हैं, डुकाटी के शोरूम पे चलते हैं और आपको वहां पर सारी बाइक दिखाते हैं। आओ, तो अंकुर कैसा लग रहा है अभी डुकाटी के शोरूम पे आकर? या मुझे तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी सारी बाइक्स अंडर वन रूफ, ऑल सुपर बाइक्स। तो ये ड्रीम अगर ऐसा मिल जाए कि कुछ दिन के लिए अगर डुकाटी आपको कहती है कि यार 5-6 दिन के लिए राइड पे ले जाओ कोई बाइक, तो कौन सी वो बाइक होगी? इतनी डुकाटीज खड़ी है तो कौन सी बाइक ले जाना पसंद करोगे? मेरे हिसाब से आई लाइक टू टेक दिस वन, डुकाटी स्क्रैम्बलर डेजर्ट स्लेट। ओके, इस बाइक को मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा था और ये लास्ट टाइम मैं यहाँ पे शोरूम में आया था तो ये बाइक थी नहीं, आज ये बाइक है। एंड ऑनेस्टली मल्टी स्टार्टर मैंने चलाई, इट इज नो डाउट इट इज वन ऑफ द बेटर बाइक्स, बट मुझे लगा ये भी मेरे लिए वो थोड़े उसमें सीट हाइट ज्यादा है। ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट बाइक है, टूरिंग भी सही रहेगा, एडवेंचर टूरिंग जो मैं करता हूँ, मुझे लग रहा है ये बाइक मेरे लिए बहुत अच्छी है। सीटिंग पोजिशन में मुझे लग रहा है कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा हाइट के हिसाब से। हाँ यार, मेरे हाइट के लिए परफेक्ट है, लाइट वेट है एंड पावरफुल है, ऑल द कंपोनेंट्स दैट आई वांट। अच्छा, ये तो टूरिंग पर्पज के हिसाब से हुई, अगर कोई स्पोर्ट्स बाइक अगर यहाँ पर अगर लेने का मन करे, ये स्पोर्ट्स बाइक लेनी है तो कौन सी बाइक होगी वो? स्पोर्ट्स बाइक तो पैनिगाले 9.5। ये तो थी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बाइक्स, और अब मैं जो आपको लेके जा रहा हूँ अपनी पर्सनल फेवरेट बाइक के पास, जो मेरी अगर डुकाटी के अंदर कोई पर्सनल फेवरेट बाइक है तो वो है ये डुकाटी मल्टी स्टार्टर 950। एक्चुअली मैं एक एडवेंचर टूरर हूँ तो मुझे इस टाइप की एडवेंचर टूरर बाइक बहुत पसंद है। सो गाइस, लुक हु इज विद मी, हरिंदर। मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि ही इज सो स्वीट कि उन्होंने मुझे मल्टी स्टार्टर 950 चलाने के लिए दी थी, और आज भी हरिंदर जी को मैंने कहा कि मुझे मल्टी स्टार्टर एक बार चलानी है, तो इन्होंने फिर कहा कोई बात नहीं ले जाओ। तो थैंक यू सो मच। अच्छा हरिंदर, मेरे को एक चीज आपसे भी पूछनी थी यार, आप तो डुकाटी में हो, आपकी पर्सनल फेवरेट बाइक कौन सी इनमें से? अगर आपको कोई बाइक, माय पर्सनल फेवरेट इज मल्टी स्टार्टर 1260 व्हिच इज लेटेस्ट लॉन्च अभी, यस, बिफोर दैट इट वाज 1200S, बट द बेसिक इज मल्टी स्टार्टर इज माय फेवरेट। अच्छा, दोनों बाइक में डिफरेंस क्या है एक बार बता दो? पावर का डिफरेंस है दोनों में, दैट मल्टी स्टार्टर 950 इज 900cc इंजन एंड 1200 इज ऑब्वियसली 1200cc इंजन। डिफरेंस इज दैट द 950 इज 113 bhp एंड 1200 इज 160 bhp।
So it makes a lot of horsepower. You know? Definitely. And even the 950 has a dual side swing arm and 1200S has the single side swing arm. So they are not hardcore off-roading machines, but 950 is actually hardcore off-roading enduro machine. So basically, अगली बाइक जब आपकी होने वाली है तो 1200 ही होने वाली है. Obviously. Thank you. Thank you welcome, so much. Welcome.